गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज़ रोहित। टुडेज माय चैप्टर इज पैराबोला ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 11.2 एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोला। ठीक है, तो इस देखिए पैराबोला में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है नंबर एक कि एक्सिस क्या होती है। ठीक है, अब एक्सिस के लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं पैराबोला के लिए, ठीक है, तो ये वाई है, वाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड टू एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर वर्टेक्स बनेगा 0.0 वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस होगी और फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, यानी यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पर होगा फोकस। फोकस फिक्स पॉइंट होगा, एस से डिनोट करेंगे, और ये फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट। और ये स्टूडेंट यहाँ होगा लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी, एक्स कॉमा वाई लेट किया है जो मूव्स करेगा पैराबोला पर। अब देखिए इतने यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, एक्सिस क्या है। अभी हम टोटल अगर बात करें तो और क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए एक न्यू डायग्राम बना रहे हैं, उस पर हमने ड्रॉ किया है फोकस। ठीक है, एस इसका फोकस जो होता है 1.0 होता है, और वर्टेक्स होता है 0.0। ठीक है, अगर यहाँ ओरिजिन पे बना हुआ है तो ये फोकस पर प्रपेंडिकुलर लाइन है। फोकस पर कौन सी लाइन है? प्रपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पर ये जो प्रपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, लेटस रेक्टम बोलेंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे इसे? लेटस रेक्टम। ठीक है, क्लियर हुआ प्रपेंडिकुलर लाइन को। और नेक्स्ट डायग्राम पर देखिए, फोकस से एनी कॉर्ड पास होगी तो उसे फोकल कॉर्ड बोलेंगे। अगर फोकस से एनी कॉर्ड देखिए, ठीक है, ये हो गई फोकस से पास होने वाली कॉर्ड, इन्हें बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए लैटस रेक्टम होता है, फोकल कॉर्ड होता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखिए ये जो लाइन है यहां पर, ये डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट। तो टोटल हमें पैराबोला के एक जनरल डायग्राम के अंदर हमें इतने पॉइंट्स पढ़ने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस। देखिए एक्सेस की डेफिनेशन क्या मिलेगी हमें, नंबर एक एक्सेस। ठीक है, देखिए अगर हम सबसे पहले एक्सेस की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। देखिए अ लाइन, अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, फोकस एस 1.0 ये अज्यूमिंग है। ठीक है, या इसे हटा देते हैं, फोकस एस लिख देते हैं केवल। ठीक है, फोकस एस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, कॉल द एक्सेस। ठीक है,
तो देखिए आपको अलाइन पासिंग थ्रू द फोकस एस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स कॉल द एक्सेस। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स में ये परपेंडिकुलर लाइन है, पासिंग थ्रू द फोकस है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये पैराबोला का क्या है, एक्सेस है, ठीक है। अभी मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे बना रखा है, एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट पे। ये स्टूडेंट मूव करती है, एक्सेस भी मूव करेगा अगर पॉइंट पी मूव करेगा, अगर पी अगर पॉइंट मूव करेगा तो एक्सेस भी शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द एक्सेस, यानी फोकस से पास होने वाली लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सेस, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट आता है कि वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। अब देखिए यहां पर ये मैंने वर्टेक्स बनाया है, तो वर्टेक्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कर्व एंड एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ऑफ द पैराबोला। अब देखिए ये पैराबोला के लिए वर्टेक्स बना रहा है, तो हमने यहाँ पैराबोला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वरना हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला की जगह कॉनिक, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड, ठीक है, एंड द एक्सिस, ठीक है, एंड द एक्सिस कॉल द वर्टेक्स, ठीक है, क्लियर हुआ, डिनोटेड बाई ए, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सिस, देन क्या हो गया, वर्टेक्स। अब थर्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, फोकल कॉर्ड, थर्ड डेफिनेशन फोकल कॉर्ड। तो देखिए दिस इज अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन है एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, फोकल कॉर्ड, इसकी डेफिनेशन होगी एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, फोकल कॉर्ड के बाद डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट। देखिए दिस इज अ डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट जो है एक्सेस पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्सेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको अभी यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है डबल ऑर्डिनेट डी। तो डबल ऑर्डिनेट देखिए अलाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट अलाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ठीक है, देन देखिए यहाँ पर ये P हो गया और ये Q हो गया। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको अगेन,
देखिए यहाँ पर एक्सेस है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पैराबोला को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, फोकस से पास अगर हुआ तो डबल ऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा लैटिस रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हुआ तो डबल ऑर्डिनेट कॉल्ड द लैटिस रेक्टम, अदरवाइज अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से नहीं पास होता है तो हम उसे डबल ऑर्डिनेट नाम देंगे, लेकिन जब डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास होगा तो हम उसे नाम देंगे लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो देखिए लिखा अलाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, देन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, पी एंड क्यू जो पॉइंट्स होंगे वो क्या बोले जाएंगे, डबल ऑर्डिनेट। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं लैटिस रेक्टम, क्या पढ़ने वाले हैं, लैटिस रेक्टम। तो देखिए यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, ई लैटिस रेक्टम, ठीक है। तो देखिए लैटिस रेक्टम पे क्या गिवन है, इसको भी हमने पी और क्यू नाम दे दिया है। तो अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेस, ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, देन कॉल्ड द लैटिस रेक्टम। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, यानी एक्सेस पर परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है ना, डबल ऑर्डिनेट पी क्यू, इसे हम लैटिस रेक्टम कह सकते हैं जब डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास होगा, उस केस में डबल ऑर्डिनेट लैटिस रेक्टम के इक्वल होगा, अदरवाइज दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों जनरल डेफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ पैराबोला। अब हम लोग पैराबोला की जनरल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए पैराबोला का केस फर्स्ट है स्टूडेंट, पहला केस, व्हेन एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑफ द पैराबोला। देखिए बच्चों दिस इज अ केस फर्स्ट, when x is along the positive x axis of the parabola, ठीक है। तो देखिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर ये x axis के along बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन पे, एंड वर्टेक्स को ओरिजिन पे बनाया गया अभी, तो यहां पे लिखेंगे एंड whose vertex ठीक है ए एट द ओरिजिन। ठीक है, अभी जो केस फर्स्ट हम लोग को पढ़ने हैं वो विदाउट शिफ्टिंग पढ़ने हैं स्टूडेंट। अभी हम वर्टेक्स को ओरिजिन पे बनाएंगे, इसके फोर डायग्राम है, फिर फोर डायग्राम के बाद उन सभी के फोर डायग्राम यानी वर्टेक्स ओरिजिन पे बनेंगे, तो वो एनसीईआरटी पे वर्टेक्सेस ओनली ऑन द ओरिजिन पे बनाया गया आरडी शर्मा में शिफ्ट कर जाएंगे। तो जब शिफ्टिंग आएगी तो हम शिफ्टिंग के केस पढ़ेंगे, तो अभी हम विदाउट शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं, व्हेन पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। तो यहां पर दिस इज अ
वर्टेक्स 0.0, ठीक है, ये वर्टेक्स है स्टूडेंट। क्या डेफिनेशन लिखाई थी? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कर्व एंड द एक्सिस, ठीक है, एंड द एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस है। तो डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा। अब देखिए, यहां से ए वर्टेक्स से एक फिक्स डिस्टेंस ली गई है, फिक्स डिस्टेंस ए, तो यहां पर इसका नाम होगा एस और फोकस नाम बनेगा इसका, और इस फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट हो गया, क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, जिसका नाम क्या है, फोकस। अब दिस इज अ लोकस, देखिए ये पॉइंट पी है जिसका नाम लोकस एक्स कॉमा वाई रखा गया है, दिस इज अ पॉइंट लोकस जो पैराबोला पे मूव्स करता रहेगा, पैराबोला पे क्या करता रहेगा, मूव्स करता रहेगा, कहीं यहाँ पे भी रख सकते हैं, इन पे सारे ऑल पॉइंट्स का मूवेबल पॉइंट है। और देखिए एक्सेस पर परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी, एक्सेस पर परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर हुआ। और देखिए अगर यहाँ वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर फोकस है तो सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड एक लाइन होगी जो कि एक्सेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू माइनस ए, यानी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए यहां पर ये पी एस हुआ, पी एस, ठीक है, और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी कि पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को बताया था मैंने ई। देखिए ये जब वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया मैंने कि पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट ई, ई क्या थी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, और फॉर पैराबोला क्या था, फॉर पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू 1, यानी पी एस इक्वल टू पी एम। तो पी एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पी एस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लगाइए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे पढ़ाया हुआ है कॉनिक सेक्शन के, कि पी एस इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड पी एम परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। ये मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, अगर ना हो तो आप इसका वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे देख लीजिएगा। अब देखिए पी एम क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमेशा स्टूडेंट फिक्स्ड होता है कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस अगर ए है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए, यानी ये हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट, क्या होता है, मिड पॉइंट किसका, एन और एस का, एन और एस का ये मिड पॉइंट होता है, यानी फोकस, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस एंड वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पी पॉइंट से क्या होगा, इक्वेशन को नोट करेंगे, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड, कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए यहाँ पर दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
ठीक है, दिस इक्वेशन ठीक है इस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला ठीक है हुज वर्टेक्स एट द ओरिजिन 0.0। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब एग्जांपल बताते हैं इस पर पहले, या इसको पूरा एक्सप्लेन करें टोटल। और अभी देखिए, और भी एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के बाद क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर वो बता देते हैं। देखिए, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप क्या लिखेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, यानी एक्सेस जो है एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। तो इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर बच्चों, अगर हम इसे इस टाइप से लिखें कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर 4ax माइनस जीरो, अगर हम इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दें इस फॉर्म पे कि y माइनस जीरो लिख सकते हैं, y माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो, तो इसका ये मीनिंग पता चलता है कि यहाँ पर जो शिफ्टिंग है वर्टेक्सेस की वो ओरिजिन पे है। देखिए ना, जीरो जीरो यानी ये x की शिफ्टिंग है और ये y की शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग फॉर्म से देख सकते हैं कि इसका वर्टेक्स यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, x का शिफ्टिंग जीरो, y का शिफ्टिंग जीरो। तो वर्टेक्स क्या दिखा रहा है यहाँ पर, वर्टेक्स दिखा जीरो जीरो शिफ्टिंग है। बट अभी हम लोग इसी को जनरल इक्वेशन पे पढ़ेंगे, तब लिख देते हैं पैराबोला की इक्वेशन। इसके लिए लिखनी पड़ेगी वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। तब अगर पैराबोला की इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे आती है इसको शिफ्ट करके, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या लिखा जाएगा, एच कॉमा के पर शिफ्ट हो गया। देखिए, एक्स एक्सेस पे एच पे शिफ्ट हो रहा है, वाई एक्सेस पर के पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि वर्टेक्स शिफ्ट कर गया। अगर वर्टेक्स शिफ्ट कर गया, सपोज दैट पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्ट कर गया, तो फोकस भी शिफ्ट करेगी, डायरेक्ट्रिक्स भी शिफ्ट करेगा, है ना, एक्सेस भी शिफ्ट करेगी। तो शिफ्टिंग का केस सेकेंड केस है, पहले हम एनसीईआरटी का विदाउट शिफ्टिंग केस पढ़ रहे हैं। अब देखिए, थर्ड केस होता है इसमें, सी केस है वर्टेक्स के बाद। सबसे पहला केस हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज अ शिफ्टिंग फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, शिफ्टिंग फॉर्म है, क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर फोकस क्या होता है। तो फोकस फिक्स्ड है स्टूडेंट, ए कॉमा जीरो होता है। डी, इक्वेशन ऑफ एक्सेस ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, इक्वेशन एक्स एक्सेस पे बना हुआ है, एक्सेस किसके अलोंग है, एक्स एक्सेस के अलोंग है। तो इक्वेशन क्या हो गई, वाई की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इस पर कि डायरेक्ट्रिक्स क्या थी। दिस इज आर डायरेक्ट्रिक्स, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई स्टूडेंट, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, और एन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस ए कॉमा जीरो। तो देखिए, वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स नहीं लिखा अभी तक, तो वर्टेक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ए जीरो एंड जीरो। फोकस हो गया, एक्सिस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट सबसे पहले डबल ऑर्डिनेट, है ना, क्या डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, जो आपको बताया गया था कि फोकस से एक लाइन पास होती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए, फोकस से एक लाइन पास होगी जो एक्सेस पे परपेंडिकुलर होगी। देखिए यहाँ पर फोकस ए कॉमा
सॉरी, दिस इज अ लेटस रेक्टम, दिस इज अ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है स्टूडेंट, डबल ऑर्डिनेट नहीं है. तो दिस इज अ परपेंडिकुलर पी एंड क्यू, ए कॉमा जीरो. ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लेटस रेक्टम है. अब हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं लेटस रेक्टम के. ठीक है, वर्टिसेस ऑफ लेटस रेक्टम और लेंथ भी फाइंड करनी है. तो आप इसके देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे. एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन एंड पासिंग थ्रू द फोकस कॉल द लेटस रेक्टम. ठीक है, देखिए लेटस रेक्टम की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए स्टूडेंट, यहां पर दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अभी हमने प्रूव किया था ये वर्टेक्स है 0,0. तो देखिए ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर टू एक्सेस है, पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो है. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू बोलिए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी, x इक्वल टू ए. ठीक है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ठीक है एट पी एंड क्यू टू द पैराबोला. ठीक है, पैराबोला. तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं. ठीक है, इनटू ए, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें, ए. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2a. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, P पॉइंट बन गया a कॉमा 2a और Q पॉइंट बन गया a कॉमा माइनस 2a. ठीक है, S a कॉमा 0 90 एक्सेस पर परपेंडिकुलर. तो देखिए अगर आप बात करें तो PQ के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, तो लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगी, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस a 4a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4a डिस्टेंस फॉर्मूला. PQ का डिस्टेंस लगा दीजिए 4a आ जाएगा. तो देखिए लेटस रेक्टम इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन ऑन द एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द फोकस. क्लियर हुआ. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट लेटस रेक्टम के बाद डबल ऑर्डिनेट. क्या पढ़ेंगे, डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डबल ऑर्डिनेट, इसको रब कर देते हैं. देखिए जी पॉइंट है डबल डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, पी और क्यू यहां पर है और यहां पर स्टूडेंट फोकस है. ठीक है, देखिए फोकस से नहीं पास हो रहा है, मैंने आपको बताया था अगर ये ऑर्डिनेट फोकस से पास होगा तो इस डबल ऑर्डिनेट इज लेटस रेक्टम. उस केस पे डबल ऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा. दिस इज अ डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने इसका डिस्टेंस यहां पर ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका डिस्टेंस गिवन होगा. हम लोग इसका डिस्टेंस यहाँ से ये लेट कर लेते हैं कि या ये वैल्यू p है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो यहाँ पर ये p कॉमा जीरो होगा, क्या होगा स्टूडेंट, p कॉमा जीरो, वर्टेक्स से डिस्टेंस p कॉमा जीरो गिवेन है. तो देखिए यहाँ पर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, पैराबोला की इक्वेशन है.
और इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ पी क्यू होगी एक्स इक्वल टू पी, क्योंकि वर्टिकल लाइन है और लाइन ऑन द इंटरसेक्ट कर रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स को, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए पी हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू रूट ए पी। तो पी पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पी है दिस वन, तो ये हो जाएगा पी कॉमा प्लस टू रूट ए पी, और क्यू पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट पी कॉमा माइनस टू रूट ए पी, ठीक है। अब हमें पी क्यू फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट पी क्यू कितना हो जाएगा? पी से पी जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फोर रूट ए पी, ठीक है। वेयर पी क्या है? वेयर पी इज अ डिस्टेंस फॉर पी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द डबल ऑर्डिनेट। तो बेटा हर क्वेश्चन पे पी का वैल्यू गिवन होगा कि डबल ऑर्डिनेट का डिस्टेंस कहाँ पर निकालना। अगर पी और ए इक्वल हो गया तो डबल ऑर्डिनेट इज कॉल्ड द लैटिस रेक्टम, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट पॉइंट आता है इसमें स्टूडेंट कि फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए डायग्राम बनाया जाएगा। देखिए डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है? यहाँ माइनस ए कॉमा जीरो है, ये डायरेक्ट्रिक्स है एक्स माइनस ए, ये लोकस है पी एक्स कॉमा वाई। तो देखिए यहाँ पर ये अगर हम ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस क्या, कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो, क्या होगा स्टूडेंट? एक्स कॉमा जीरो। तो फोकल लेंथ दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं आप? ये फोकल लेंथ है स्टूडेंट, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या दिख रहा है? एक्स प्लस ए, ठीक है, एक्स प्लस ए, क्लियर हुआ। देखिए ये ए एक्स है, यहाँ पर जीरो कॉमा जीरो है, इतना एक्स हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो गया? ए। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ होगी मॉड एक्स प्लस ए, यानी फोकल डिस्टेंस यानी ये एक्स और ये ए, टोटल कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ए, क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर था पैराबोला के, उनके ऑल इक्वेशंस थे और उनके ग्राफ थे, डायग्राम थे, डायग्राम के बाद उनकी डेफिनेशन थी और उनकी वैल्यू थी। अब इसकी हेल्प से ही आप पैराबोला के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के, लेकिन ये फर्स्ट पैराबोला की इक्वेशन है स्टूडेंट, थ्री और बाकी हैं अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन पहले हम इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं कि एनसीईआरटी में इनके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में इनका जो क्वेश्चन का आस्किंग मेथड है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछा जाता है स्टूडेंट कि आपको इक्वेशन गिवन होता है। एग्जांपल फर्स्ट लिखा है इफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है, देन फाइंड द वर्टेक्स, ठीक है, फोकस एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाद लैटिस रेक्टम। तो ये आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या क्या फाइंड करना? वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटिस
रेक्टम ये फाइंड करने हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको गिवेन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो सबसे पहले हम जब डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे पैराबोला की इक्वेशन गिवेन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो रही है क्या? नहीं, वाई में जीरो शिफ्ट हो रहा है और एक्स में भी जीरो शिफ्ट हो रहा है। तो यानी इसका जो डायग्राम है वो पता है एक्स एक्सेस के पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग बना हुआ है क्या? एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? वर्टेक्स 0,0, दिस इज अ वर्टेक्स। यहाँ क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन सबसे पहले यहाँ पर फोकस रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, फोकस क्या हुआ? ए कॉमा जीरो। तो देखिए हमने इसको देखा कि ये शिफ्टिंग नहीं हो रही है तो y को स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 4x। कंपेरिजन कर दें पैराबोला की इक्वेशन से, y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4ax से कंपेरिजन करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई? 1। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। a हमें फाइंड आउट करना पड़ा तो a का वैल्यू 1 है, यानी फोकस a कॉमा 0 है तो फोकस क्या हो जाएगा? 1,0। वर्टेक्स क्या रहेगा इसका? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो हो गया डायग्राम पर ए 0,0। सेकेंड हो गया कि फोकस क्या है, तो फोकस देखिए एस क्या होता है? 1,0। ए का वैल्यू क्या है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1,0। सी एक्सेस क्या है? देखिए एक्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 0। डी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई? तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स इक्वल टू माइनस ए, यानी एक्स इक्वल टू माइनस 1, यानी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ई लेटस रेक्टम, तो देखिए लेटस रेक्टम की जो लेंथ हमने बताई थी वो 4a बताई थी। ठीक है, a का वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आ गया? 4। कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप यहाँ पर बना दीजिएगा p और q, a,2a और a,-2a। यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा आपको? ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे a,2a, q पॉइंट बताया था a,-2a। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1,2a, 1,2, 1,-2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताता हूँ आपको। देखिए दिस इज अ फर्स्ट टाइप मेथड, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, आपको ऑल पार्ट्स पूछे जाएंगे, अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो सकती है। देखिए किस टाइप से इक्वेशन फाइंड करनी होगी, अब इसका जस्ट अपोजिट आपको क्वेश्चंस गिवन होगा। देखिए अपोजिट क्या केस दिया होगा, एग्जांपल है स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, हुज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवेन है, क्या गिवेन है? डायरेक्ट्रिक्स गिवेन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस गिवेन है। ठीक है, फोकस एस 3,0। तो देखिए अब आपको हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन पे, डायरेक्ट्रिक्स गिवेन है और फोकस गिवेन है। डायग्राम बना के देख लेते हैं और इसमें लिखा होगा एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर सब कुछ मेन वर्क है कि एक्सेस किसकी अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग है कि नेगेटिव। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पर फोकस दिया है ऑन द एक्स एक्सेस पे 3,0 पर। तो वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स कहाँ पर आएगा? ये डिस्टेंस 3 है और डायरेक्ट्रिक्स के लिए इसने कोऑर्डिनेट दिया हुआ कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? -3,0। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? सेम, ये डिस्टेंस वर्टेक्स से मिड पॉइंट हो गया।
तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए, 3 माइनस 3 जीरो, तो वर्टेक्स क्या आ गया 0.0 आ गया, ये भी तो 3 है स्टूडेंट, ठीक है एन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो मिड पॉइंट होता है वो कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर लोकस ले लीजिए पी एक्स कॉमा वाई, पी एस हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए पी एम। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लगा दीजिए पैराबोला की, क्या थी, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई और ई इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। अब देखिए पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर पी एम। पी एस डिस्टेंस फार्मूला ऑफ टू पॉइंट्स, पी एम हो गया डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यानी मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, क्लियर, सॉरी माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12x। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला विदाउट शिफ्टिंग के केस हैं स्टूडेंट, अभी ये ऑल केसेस मैं आपको विदाउट शिफ्टिंग बता रहा हूँ। जब हम शिफ्टिंग, जब पहले विदाउट शिफ्टिंग के ऑल केसेस कर लेंगे तो अब हम स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग के केस, ठीक है, क्लियर हुआ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के भी हो सकते हैं इसमें, इस पर और भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अब उसने दिया स्टूडेंट यहां पर कि हुज डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 हुज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एंड वर्टेक्स एट ए -3.0, ठीक है, देन एंड एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अगर स्टूडेंट, अगर हमें पैराबोला का एक्सेस अलोंग नहीं देता है कि एक्स एक्सेस के पॉजिटिव अलोंग है कि नेगेटिव अलोंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी सर्च कर सकते हैं डायग्राम से। देखिए डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा -5.0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई स्टूडेंट, ठीक है, क्या हो गई डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर वर्टेक्स है -3.0 पर, यहां पर वर्टेक्स हो गया -3.0 ए, ये एन। तो देखिए इसने बोला एक्सेस अलोंग द एक्स एक्सेस, तो अगर आप देखें तो आप डायग्राम को ऐसे मूव कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं दिया होता तो डायरेक्ट्रिक्स अगर देख रहे हैं तो इधर है, तो आपका एक्सेस तो इधर ही आएगा अलोंग टू एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी बच गई, 2, देखिए दिस इज अ वैल्यू ऑफ 3, दिस इज अ वैल्यू ऑफ -5, -3 कोऑर्डिनेट -5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 2। अब ये ओरिजिन है 0.0, तो देखिए वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है 2, तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस भी कितना होगा 2, वर्टेक्स से फोकस का भी डिस्टेंस कितना होगा 2, तो यहां पर फोकस बनाई जाएगी स्टूडेंट -1.0 पर। देखिए ना अगर ये डिस्टेंस 2 है तो इससे भी हम 2 बैक जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ मिड पॉइंट। क्या बताया मैंने कि जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है, अगर ये डिस्टेंस 2 है तो हमें बैक कितना जाना होगा 2, तो ये कितना ओरिजिन से बचेगा 1, टोटल कितना हो जाएगा 5, तो यानी ये -1.0 है। पी क्या पॉइंट होगा, x, y, आप इसे पी एस बना दीजिए और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो पी एस इक्वल टू क्या अप्लाई कर दीजिए पी एम, ठीक है,
क्योंकि e का वैल्यू क्या होता है, 1। पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, ई का वैल्यू 1। पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी एम परपेंडिकुलर लेंथ ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हो जाएगा प्लस 24 बचेगा, तो वाई स्क्वायर 8 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस का 3। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसमें बच्चों शॉर्ट ट्रिक भी होती है, इसको हम किससे कर सकते हैं, दिस इक्वेशन ये जो आपने बनाई है इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको इक्वेशंस बनानी होगी, कौन सी, शिफ्टिंग वाली इक्वेशन। तो शिफ्टिंग इक्वेशन यानी पैराबोला की शिफ्टिंग इक्वेशन लिखेंगे कहाँ से, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। दिस इज अ मेथड ऑफ शॉर्टकट मेथड। अब सबसे पहले देखिए वर्टेक्स h और k कहाँ पर है, क्या देखना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, a h कॉमा k। तो देखिए वर्टेक्स कहाँ बना हुआ है, माइनस 3,0 पर, तो यानी माइनस 3,0। दिस जब h और k मिल गया, अब a क्या होता है, a होता है डिस्टेंस बिटवीन, a क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स या वर्टेक्स या फोकस। तो ये डिस्टेंस कितना था, 2, यानी a का वैल्यू हमें 2 मिला। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 एक्स प्लस 3। तो देखिए आंसर क्या आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 3। तो देखिए दिस आंसर एंड दिस आंसर सेम, दिस अ शॉर्ट ट्रिक मेथड, दिस अ एनसीईआरटी मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट सीखेंगे इसका पैराबोला का, जब एक्सेस अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सेस पे बनेगा। तो 3 केसेस और हैं, मतलब जब निगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डायग्राम होते हैं। बी केस में हमें पढ़ना है दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका इक्वेशन आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सी केस पे पढ़ना है हम लोग पैराबोला एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये निगेटिव एक्स एक्सेस पर है ये। और डी केस पर पढ़ना है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगी। और नेक्स्ट निगेटिव एक्स स्क्वायर पे पढ़ना है, निगेटिव वाई एक्सेस पे। तो 3 केसेस और पढ़ने हैं, तो अब एनसीईआरटी होगा, फिर शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग के बाद फिर होगा टेंजेंट नॉर्मल होगा। राइट बच्चों, ठीक है।